हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल हैंड। मैं हूं रीना पटेल और आज हम इस बैग का वीडियो बनाने वाले हैं। तो ये बैग बनाने में बहुत ही इजी है और इसका रनिंग यूज करना भी बहुत ही हमें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक पहले हमने पीछे पॉकेट डाला है और यहाँ पे सेंटर में मैंने एक ही पॉकेट बनाया है, पर इसके अंदर जो है यहाँ पे बहुत सी स्पेस हमें मिलेगी। और ये मैंने इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट बनाए हैं जो 3 पॉकेट है अंदर, जिसका आप कोई भी चीज रखने में यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर चीजें हमें ढूंढनी बहुत ही आसान रहेंगी। और यहाँ पे एक ऊपर हमें बड़ा पॉकेट मिलेगा यहाँ पे, और 2 पॉकेट छोटे हमें यहाँ पे ओपन मिल जाएंगे, जिसमें हम आसानी से कोई भी चीज हमारी रख सकते हैं और जल्दी चाहिए वो हम आसानी से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि ये हमें कैसे बनाना है। तो ये बैग बनाने के लिए हमें 1/2 मीटर फैब्रिक चाहिए, जो मैंने धुपियन सिल्क का लिया है। और यहाँ पे नीचे हमने नॉन वुवन और बीच में फोम डाल के इसके ऊपर क्विल्ट बना लिए हैं। अब ये जो पूरा मैंने 1/2 मीटर फैब्रिक में ऐसे पहले क्विल्ट बना लिए हैं, अब इसके अंदर से मैंने जो हमें पार्ट्स चाहिए उस तरह से मैंने कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें पार्ट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे 14x11 इंचिस का ऐसे 2 पार्ट्स। ये 14x11 इंचिस के ऐसे 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट हमें चाहिए 14x9 इंचिस का, इसका वेंथ 14 इंचिस है और लेंथ 9 इंचिस है। और एक पार्ट चाहिए हमें 14x7 इंचिस का, यहाँ पे 14 इंचिस और यहाँ से ये 7 इंचिस। हैंगर के लिए मैंने 44x3 इंचिस का ऐसा लंबा बेल्ट ले लिया है, क्विल्ट किया हुआ ही। अब इसे हम बीच में से कट कर देंगे फोल्ड करके, तो ये हमारा हैंगर के लिए रेडी हो जाएगा। अब हमें नॉन वुवन चाहिए 15x13 इंचिस के ऐसे 2 पार्ट्स। और एक हमें चाहिए 12x7 इंचिस का और एक हमें चाहिए 15x8 इंचिस का। तो ऐसे 4 पार्ट्स हमें नॉन वुवन के चाहिए और इसके जगह पे आप फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। अब ऊपर डेकोरेशन के लिए हमें मैंने ये पेज लिया है, ये पूरा लेस आता है, उसमें से आप ऐसा एक फ्लावर कट भी कर सकते हैं। और हमें 3 जिप चाहिए, ये 2 मैंने 14 इंचिस के लिए है और एक जिप मैंने 7 इंचिस के लिए है। तो हमें 3 जिप चाहिए और 3 जिप के लिए हमें चाहिए 3 रनर। अब सबसे पहले हम 14x11 इंचिस का जो हमारा पार्ट है उसे लेंगे और इसे हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। और ये यहाँ ऊपर से हमें 4 इंचिस पे मार्क कर लेना है, 4 इंचिस या फिर आप 3 इंचिस पे भी मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे हम 3 इंचिस पे मार्क कर देंगे। अब ये हम यहाँ से कट कर देंगे। और यहां से हमें क्रॉस कट कर देना है। यहाँ पे हम अब हमारी 7 इंचिस की जो जिप है उसे अटैच कर देंगे। पहले हम जिप में रनर डालेंगे, तो ये मैंने यहां से ओपन कर दिया। अब ये जो हमारा रनर है इसको हम ये जिप को एक साइड पुश करेंगे, फिर हमें सेकंड साइड, अब दोनों को सेम रख के ये आगे ऐसे पुश करना है। तो ये हमारा रनर आ गया। अब हमें जिप को यहाँ पे एकदम सेंटर में रखना है। और इसे हम यहाँ ऊपर है उसे हम फोल्ड करेंगे। अब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले आप इसे फोल्ड करके बाद में भी जिप को नीचे अटैच कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे सीधा ही रखेंगे और यहाँ पे ऊपर स्टिच कर देंगे यहाँ पे ऊपर।
ये हमने यहाँ पे जिप को अटैच कर दिया। अब इसे हम उल्टा करेंगे और ये जो ऊपर हो रहा है यहाँ पे साइड में ऊपर स्टिच कर देंगे। अब ये हमने यहाँ पे जिप को अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर हमने ये 12x7 इंच का जो हमारा पार्ट है उसे हम यहाँ पे ऐसे सीधे रखेंगे और यहाँ पे पूरा राउंड में स्टिच कर देंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट्स रेडी है। अब हमें उसी नाप का ये 14x11 इंचेस का हम सेकंड पार्ट्स लेंगे और 14x9 इंचेस का एक पार्ट्स लेना है और एक पार्ट्स हम ये 14x7 इंचेस का लेंगे। सबसे पहले हमें ये 14x7 इंचेस का पार्ट्स है उसको हम यहाँ ऊपर से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें ऊपर स्टिच करना है। अभी हमारा 14x7 इंचेस का पार्ट्स को हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया है। अब 14x9 इंचेस का जो पार्ट्स है हमारा हम उसे लेंगे और उसके ऊपर ये हम रखेंगे। ये एकदम सेंटर में यहाँ पे ऐसे रखना है हमें और यहाँ से हमें पूरे राउंड में ये हम स्टिच कर देंगे। ये हमने यहाँ पे इसके ऊपर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे एकदम सेंटर में हमें स्टिच करना है तो इसे हम फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे हमें मार्क करना है। अब यहाँ पे ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 मार्क करके 3 पॉकेट भी बना सकते हैं और हम सेंटर में मार्क करेंगे तो ये 2 पॉकेट बनेंगे। ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया। अब हमें हमारी 14 इंचेस की जिप लेनी है ये और इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। अब इसे हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके ऊपर हमें स्टिच करना है। तो हमने यहाँ पे ऊपर स्टिच कर दी है और ये मैंने रनर भी डाल दिया है। अब इसे हमें ये हमारा 14x11 इंचेस का जो मेन पार्ट्स है उसको यहाँ पे ऊपर रखेंगे हम और ये जो जिप है हमारी
ये एकदम हम सेंटर में रखेंगे और इसे हमें इस तरह से ऐसे नीचे रख के यहाँ पे स्टिच करनी है। ये ऐसे नीचे रहेगा और यहाँ पे हमें स्टिच करनी है। ये हमने ये इस तरह से यहाँ पे हमें सेंटर देख के ये जिप लगाना है, तो ये ऐसे ऊपर रहेगी। यहाँ पे हमने ऐसे जिप लगा दी है। अब इसे हम ऐसे ऊपर पकड़ेंगे और यहाँ से हमें पूरे राउंड में ऐसे स्टिच करना है। तो ये हमारा आगे का पॉकेट और आगे का पार्ट्स पूरा रेडी हो गया है। फिर हमारा आगे का पार्ट्स रेडी है। अब हमने जो डेकोरेशन के लिए ये पेज लिया था, इसे हम यहाँ पे अटैच कर देंगे एक साइड। इसे आप ये सब अटैच करने से पहले स्टिच भी कर सकते हैं यहाँ पे, या तो फिर हम इसे अब फैब्रिक गम है हमारे पास तो उससे चिपका भी सकते हैं। तो ये मैंने फैब्रिक गम की मदद से इसे यहाँ पे चिपका दिया है। अब हम हैंगर बनाएंगे, तो हमारा 44 बाय 3 इंचेस का जो हमारा पार्ट्स था वो हम लेंगे और इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे ऊपर हम स्टिच कर देंगे। ये हमारा हैंगर रेडी है, मैंने फोल्ड कर दिया। अब इसे हम यहाँ से सेंटर में से कट कर देंगे, तो ये एक 22 इंचेस का हो जाएगा। अब इसे हमें ये हमारा 4 इंचेस पे मार्क करना है यहाँ से, और यहाँ से भी हम 4 इंचेस पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमें हैंगर को अटैच कर लेना है। ये ऐसे रखेंगे हम और यहाँ पे मैं स्टिच कर दूंगी और फिर इसे हम यहाँ पे भी ऐसे अटैच कर देंगे। इस तरह से हमें हैंगर को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने हैंगर को ऐसे अटैच कर दिया और पीछे की साइड भी मैंने उसी तरह से ये हैंगर को अटैच कर लिया है। अब ये जो हमारा आगे का पार्ट है उसके ऊपर हमें ये हमारा पीछे का पार्ट इस तरह से हम रखेंगे और ये दोनों को हमें यहाँ पे अटैच कर लेना है, यहाँ पे स्टिच करके अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे हमने स्टिच कर दी है। अब ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। और इसे हमें यहाँ पे ऐसे, ये जो सीधा है इसे हम ऐसे क्रॉस करेंगे। और यहाँ पे हमें स्टिच करना है। जो एकदम सेंटर में हमें 1 इंचेस रखना है। ये
जो चोटी है यहाँ से हम सेंटर से 2 इंचेस रखेंगे, तो हम सेंटर से हमें 2 इंचेस पे मार्क करना है और यहाँ पे हम ऊपर स्टिच कर देंगे। ये यहाँ से हम 2 इंचेस पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें स्टिच करना है। और ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। और इसी तरह से हमें यहाँ पे भी करना है। तो ये हमने यहाँ पे दोनों साइड स्टिच करके ये एक्स्ट्रा कट कर दिया। इसे अब हमें सीधा कर लेना है। ये बैक को हमने सीधा कर दिया है। अब हमें नॉन वुवेन लेना है, जो 15x13 इंचेस के ये हमारे दो पार्ट्स हैं और ये एक पार्ट्स हमारा 15x8 इंचेस का। अब जो हमारा 15x8 इंचेस का पार्ट्स है उसे हमें, ये हमारा जो 15x13 इंचेस का पार्ट्स है उसके ऊपर ऐसे रखना है, थोड़ा नीचे 1 इंचेस की जगह छोड़ के हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे बीच में। और यहाँ से पहले हम राउंड में स्टिच कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। यहाँ पे सेंटर में हमें यहाँ पे बीच में 2 लाइन करना है, स्टिच करना है। ये ऐसे हमने स्टिच की है तो ये यहाँ पे ऐसे पॉकेट बन गए हैं। अगर आप फैब्रिक यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको पहले फोल्ड करना होगा, नहीं तो यहाँ से ये ऐसे एकदम थ्रेड बाहर निकलेंगे। ये नॉन वुवेन है तो इससे नहीं निकलेंगे। अब हमें 14 इंचेस का जो हमारा ये जिप है उसे लेना है और ये जो पॉकेट वाला हिस्सा है इसे हम ऐसे उल्टा रखेंगे और जिप को यहाँ पे ऐसे स्टिच करना है, या तो आप ऐसे सीधा रख के यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। ये जिप हम एकदम सेंटर में रखेंगे। अब जो नॉन वुमेन का सेकंड पार्ट है उसे हम यहाँ पे जिप में अटैच करेंगे। ये हमने सेकंड साइड यहाँ पे जिप की सेकंड साइड, ये सेकंड पार्ट्स को ऐसे अटैच कर दिया है। अब इसके अंदर हमें रनर डाल देना है। ये हमने यहाँ पे रनर डाल दिया है। अब इसे यहाँ पे हमें स्टिच करना है, यहाँ पे लास्ट में पकड़ेंगे दोनों साइड। यह हमारा जो अंदर का पॉकेट है वो रेडी हो गया है।
अब हमें 14x2 इंचेस की ऐसी दो पट्टियां लेनी है और इसे हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, यहां से स्टिच कर देंगे। ये जो हमारी पट्टी है उसका ये जो स्टिच का सेंटर है वो और ये जिप का सेंटर यहाँ पे एकदम हम सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे ऊपर हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और ये जो पीछे का पार्ट है उसे हमें इस तरह से पीछे पुश करना है और ये हम ऐसे रखेंगे या ऊपर से स्टिच करेंगे। तो ये हमारा पॉकेट रेडी है। तो ये हमें यहाँ से ओपन करना है और ये जो हमारा पर्स है पूरा उसे हम यहाँ से अंदर पुश कर देंगे। और ये जो यहाँ से इसका स्टिच है ये उसे और ये जो हमारी पट्टी का ये ऊपर का स्टिच है वो दोनों को हमें ऐसे मिलाना है और यहाँ पे सेकंड साइड भी उसी तरह से हमें ये दोनों को सेंटर में रखना है और हम यहाँ पे राउंड में स्टिच कर देंगे। अब ये दोनों को ऐसे स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमने पूरे राउंड में स्टिच करके ये दोनों को अटैच कर दिया है। अभी से हम सीधा कर देंगे, ये बाहर निकालना है। अब यहाँ पे हम पहले स्टिच कर देंगे, ये जो ओपन पार्ट हमने छोड़ा था वहां पे हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे हमने स्टिच कर दिया, अब इसको हमें अंदर पुश करना है। अब ये जो है हमारे पार्ट्स उसे हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ऊपर हमें स्टिच करना है। तो ये हमारा बैग रेडी हो गया है। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए बैग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।